विकासखंड कपकोट में ब्लॉक समितियों के गठन का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस समर्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मनमाने तरीके से समितियों का गठन किया है। कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने कहा कि सदन के बाहर गठित की गई समितियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सदन में चर्चा के साथ समितियों के गठन की भी मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी को सौंपा है। इधर ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने बताया कि सभी समितियों का गठन सर्वसहमति से किया गया है। विकासखंड के अंतर्गत जो आज समितियों का गठन किया जाना था, आज समितियों का गठन नियम के विरुद्ध किया गया है, पंचायती राज के विरुद्ध किया गया है, घर से बना के कमेटियों का गठन किया गया है, जो सरासर हम सब हमारे भट्ट जी, सम्मानित कोरंगा जी, सम्मानित हमारे जो है भूपेश गड़िया जी सहित जितने हमारे सदस्य हैं, हम इनका बहिष्कार करते हैं। और उस सदन में इस भाषा का प्रयोग किया गया है जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। आज हमसे उस सदन में ये कहा गया है कि सदन का सदस्य वो बनेगा जो जिसकी सरकार होगी, इसके हम भर्त्सना करते हैं। इसलिए हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन शासन को भेज रहे हैं कि इस तरह की परिपाटी न चलाएं जिससे हमारे लोकतंत्र के ढांचे में विकार आ सकता है। मेरा ये कहना है कि आज अगर इन्होंने समिति का गठन घर से करना था तो हमको भी सदस्य जो अन्य सदस्य थे उनको भी सूचित नहीं करते, ये हमारा ये कहना है। इसलिए हम आज बीटीसी का वो जो समिति का है उसका बहिष्कार करके। कपकोट से सीसीएन न्यूज के लिए ललित जोशी की रिपोर्ट।